पीईटी यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट आज लगातार दूसरे दिन भी संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। समूह गा की भर्तियों के लिए होने वाली ये परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है। और अगर आज दूसरे दिन की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज में तकरीबन 60,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है और अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ कुल 64 केंद्र बनाए गए हैं। दो दिनों की परीक्षा में 1,20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। तीन पालियों की परीक्षा खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ दूसरे दिन की अंतिम पाली की परीक्षा बची हुई है। और पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद तमाम कैंडिडेट्स बाहर निकले हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सीएवी इंटर कॉलेज में। आप देख सकते हैं कि पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं बाहर निकले हैं और ज़्यादातर कैंडिडेट्स का ये कहना है कि उनका पेपर जो है अच्छा हुआ है, वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। क्या नाम है आपका? अभी हमारा पेपर नहीं हुआ। अभी आपका पेपर नहीं हुआ, आपका पेपर 3 बजे से है। क्या नाम है? जैसे सर शिवम कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? गाजीपुर से। पेपर कैसा हुआ है आपका? सर बहुत बढ़िया। क्या संभावना है? सर लगभग निकल जाएंगे अच्छी तरह से। हाँ, चेहरे से भी आपके लग रहा है। यस सर। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? सर बलबीर चौहान। बलबीर जी, पेपर कैसा हुआ? सर अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। यस सर। बाकी जीएस तो सब अच्छा था सर, थोड़ा सा ग्राफ में प्रॉब्लम हुई लेकिन अच्छा हुआ। हाँ, क्वालिफाइड? यस सर। तो ये तमाम कैंडिडेट्स हैं जो ये बता रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि पेपर अच्छा था और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि वो इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो प्रयागराज में अभी तक की तीन पालियों की जो परीक्षा है वो छोटे मोटे विवादों को छोड़ दिया जाए तो शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई है। हालांकि कल पहले दिन एसटीएफ ने प्रयागराज के 2 लोगों को भी नकल करने के आरोप में पकड़ा था। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आज शाम परीक्षा पूरी तरह खत्म होने तक किस तरीके की खबरें सामने आती हैं। परीक्षा पूरी तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होती है या कोई विवाद खड़ा होता है और एसटीएफ शाम तक या रात तक कोई खुलासा करती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।